हेलो नमस्कार, मेरा नाम है करण ताप, लिखा है स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने SBI CSP वर्सेस फिनो बैंक का CSP, ठीक है, कौन सा CSP यहाँ पर बेस्ट है, कौन सा CSP आपको यहाँ पर लेना चाहिए एंड यहाँ पर आपको कैसे CSP मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि भाई हमको SBI का CSP लेना चाहिए या फिर हमको फिनो बैंक का CSP लेना चाहिए, क्योंकि फिनो बैंक जो है भाई नई फिनो बैंक आई है, हालांकि इसके बारे में काफी लोगों को पता भी नहीं है एंड जो SBI है वो भाई बहुत पॉपुलर है एंड यहाँ पर इसकी जो क्रेज है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। हम यहाँ पर पहले बात करेंगे अगर आप SBI का CSP लेते हो तो उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने मिलती है और अगर आप फिनो बैंक का CSP लेते हो तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने मिलती है, किस CSP का सबसे ज्यादा कमीशन है, किस CSP का कमीशन कम है एंड कौन सा कमीशन एंड कौन सा जो CSP आपको लेना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम SBI की अगर बात करें तो अगर आप SBI का CSP लेते हो, जो कि मैं आपको बताऊं तो फिनो से तो काफी ज्यादा बेटर है। फिनो से क्यों बेटर है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फिनो तो काफी नई आई है तो फिनो में आपको अकाउंट ओपनिंग के कस्टमर इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे जितनी जल्दी आपको SBI मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि SBI में जो हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं उसमें कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री में खुल जाता है, लेकिन अगर हम फिनो बैंक में अकाउंट खोलते तो उसमें जो स्टार्टिंग है वो 249 रुपए से होती है। कस्टमर अगर खाता भी खुलाने के लिए आ रहा है तो उसको भाई 249 रुपए पहले देने पड़ते हैं, वही अगर कस्टमर SBI की CSP में अगर अपना खाता खुलाता है तो वहां पर उसको कोई भी बैलेंस पे नहीं करना होता है। अगर वो सेमी अकाउंट खुलाता है तो उसमें उसको 2000 रुपए डिपोजिट करना पड़ता है, वो भी अपने अकाउंट में, ठीक है। एंड वही अगर फिनो में सेविंग अकाउंट खुलाता है तो उसमें 500 कुछ रुपए कट जाता है। तो हालांकि अकाउंट ओपनिंग जो कि सबसे बढ़िया है वो है अपने SBI के, ठीक है, SBI की CSP का सबसे बढ़िया अकाउंट ओपनिंग। फिनो की CSP में क्या है, आपको इतना कस्टमर नहीं मिलता है एंड SBI में अगर आप अकाउंट ओपन करते तो एक अकाउंट में आपको जो है 25 से 30 रुपए तक का कमीशन मिल जाता है, लेकिन फिनो में नहीं मिलता है, ठीक है। तो अकाउंट का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अकाउंट किस CSP में सबसे बेस्ट है, SBI की CSP पर, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर कौन सी CSP का कमीशन ज्यादा है, ठीक है। हालांकि मैं आपसे यही नहीं कहूंगा कि भाई आप फिनो का या फिर SBI का CSP लेने के बाद उसमें धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन किए जाओ आपको कमीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि कमीशन भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है आपके ट्रांजेक्शन पर, ठीक है। ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं हो गया आप विड्रॉल डिपोजिट करते रहो एंड उसमें जो है आपका कमीशन बढ़ जाएगा, उसमें आप विड्रॉल भी कीजिए डिपोजिट भी कीजिए एंड उसमें जो है एक मिनिमम बैलेंस भी रखिए अपने कैश होल्डिंग में, ठीक है। उसमें बैलेंस एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वो रखना पड़ता है आपको, प्लस अकाउंट ओपनिंग का भी मिलता है, ये सारा मिला के आपका जो है आता है, ठीक है, अच्छे से। बट यहाँ पर अगर वही फिनो की बात करें तो फिनो में आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई भी यहाँ पर कमीशन नहीं है एंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन बेस पे भी काफी कम कमीशन है, ठीक है। बात करते हैं कि हमको SBI प्लस फिनो में सर्विसें क्या क्या देखने मिलती है। हालांकि सर्विसें तो काफी ज्यादा देखने मिलती है बट यहाँ पर थोड़ी सी ही सर्विस कवर करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। जैसे अभी आप SBI का CSP देख पा रहे हो जिसमें कि आपको कैश विड्रॉल मिल जाता है ATM प्लस आधार के थ्रू, ठीक है, यानी कि ATM आधार के थ्रू आपको कैश विड्रॉल मिल जाता है, ये आपको फिनो में भी मिल जाएगा, ठीक है। कैश डिपॉजिट मिल जाएगा अकाउंट नंबर के थ्रू, बट मैं ये कहूंगा कैश डिपॉजिट आपको CSP में आधार के थ्रू प्लस ATM के थ्रू भी मिल जाता है। अकाउंट ओपनिंग मिल जाती है आपको SBI CSP में, पासबुक प्रिंटिंग मिल जाती है, जी हाँ, अगर आप पासबुक प्रिंटिंग प्रिंटर लेते हो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अटल पेंशन योजना भी कर सकते हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 3 बीमा होते हैं, आप ये भी कर सकते हो, EKYC कर सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, जी हाँ, और भी काफी सारे यहाँ पर जो है फंक्शन दिए जाते हैं जो कि मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि भाई पासबुक कौन सबसे पहले दे देगा, ठीक है। हालांकि अगर आप SBI में अकाउंट खोलते हो किसी का भी जीरो बैलेंस का तो उसमें आपको पासबुक देने में कम से कम 5 दिन का वक्त लग जाएगा और जो ATM है वो 7 से 15 दिन बन के आता है, लेकिन फिनो में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो उसमें आप कस्टमर को हैंड टू हैंड पासबुक दे सकते हो, हैंड टू हैंड ATM भी दे सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं फिनो में कि आपको फिनो में क्या क्या फैसिलिटीज देखने मिलती है। फिनो में भी काफी ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिलती है बट यहाँ पर मैं कुछ ही फैसिलिटीज जो है कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है बचत और चालू खाता, यानी जीरो बैलेंस और सेविंग खाता आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। नगद निकासी, नगद जमा यानी कैश डिपॉजिट विड्रॉल मिल जाता है, मनी ट्रांसफर मिल जाता है, गोल्ड लोन भी करवा सकते हो, गोल्ड लोन तो आप SBI की CFP में करवा सकते हो। स्वास्थ्य बीमा मिल जाता है, कार एवं बाइक का बीमा कर सकते हो, उसमें ATM से नगद निकासी कर सकते हो, आधार पेमेंट, बिल भुगतान, ठीक है। एंड यहाँ पर इतनी सारी जो सर्विस है आपको दी जाती है और भी यहाँ पर सर्विस है जैसे कि मैं आपको बता दूं जो कि आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है यहाँ पर आपको कौन सा CSP लेना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो फिनो बैंक का CSP यानी हमारे फिनो बैंक है उस पर जो है लोग कम भरोसा करते हैं क्योंकि वो नई आई है तो काफी लोग ये सोचते हैं कि कहीं भाग ना जाए, लेकिन जो SBI की CSP वही बहुत पुरानी है, ठीक है। उसको आप लेते हुए तो उसमें आराम से आपको काम मिल जाएगा, आपको वही SBI की CSP में 5000 अकाउंट तो ये समझो भाई मंथली खुल जाएगा, डेली का 10-20 अकाउंट आ गया, बट फिनो में डेली का इतना अकाउंट नहीं आता, ना फिनो में आप 5000
पांच हजार अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कमीशन भी जो आपको एसबीआई सीएसपी में ज्यादा देखने मिलता है, फिनो में कम देखने मिलता है। एंड फिनो का जो सीएसपी है वो डायरेक्टली हम कस्टमर केयर से बात करके ले सकते हैं, ठीक है। कस्टमर केयर पर बात करें या फिर किसी एजेंट के थ्रू हम फिनो का सीएसपी ले सकते हैं, जिसमें हमको माइक्रो एटीएम मिल जाता है देखने को, एंड आधार कार्ड से लेन देन भी मिल जाता है, अकाउंट ओपनिंग मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है। वही हम एसबीआई सीएसपी की बात करें तो एसबीआई सीएसपी लेने के लिए हमको काफी दिक्कतें भी होती है, एंड काफी जल्दी मिल भी जाता है एंड काफी जल्दी नहीं मिलता है। फिलहाल मेरे पास जो अभी ऑक्सीजन का एसबीआई का सीएसपी है पहले से ही, ठीक है। फिनो का मैं लेने के लिए सोच रहा था, बट अभी देखते हैं फिनो का मिलेगा या नहीं मिल सकता है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप एसबीआई का सीएसपी नहीं ले सकते हो, ठीक है। एसबीआई का सीएसपी लेने के लिए पहले तो आपको अपने ब्रांच मैनेजर से बात करनी पड़ती है कि वो एसबीआई का सीएसपी आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आपको कंपनी से बात करनी पड़ती है, वही आपको कुछ सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करके आपको अपनी फाइल देनी होती है, एंड यहाँ पर जो मुश्किल से 3-4 महीने में आपका कोड बन जाता है। वही अगर हम फिनो बैंक की बात करें, फिनो बैंक में अगर हम सीएसपी लेना चाहते हैं तो हम कस्टमर केयर से बात करेंगे, वहां भी कुछ दिनों में भी आपको फिनो में भी जो है सीएसपी मिल जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना करें। वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की इस वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।